तो आज हम बनाएंगे पनीर कैप्सिकम मसाला करी, और वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन पे एक बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने 6 लौंग ले लिया है और 1 टेबल स्पून चना दाल, और यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन ले लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई हो चुका है, मैं इसमें 5 से 6 काजू डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिया है, इसे रफली चॉप कर लिया है, और अब हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करके मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल लिया है, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं सेम पैन पे 2 बड़े चम्मच और ऑयल डाल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे 1 बड़ा प्याज ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है, और अब हम इसे अच्छा कलर आने तक, गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है, और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर को भी इसमें डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने ग्राइंडर जार में 1/2 ग्लास पानी ले लिया है, हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। और मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसमें 1/2 ग्लास मिल्क डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है जिससे हमारा मिल्क जो है वो फटे ना, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे बीच बीच में स्टर करते हुए मैंने ग्रेवी को तैयार कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 कैप्सिकम ले लिया जिसे कट कर लिया है, और 250 ग्राम्स पनीर, और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट्स के लिए बीच बीच में स्टर करते हुए ढक के पकने देंगे। और अब 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा ग्रेवी जो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लिया है, हम इसे इस तरीके से रब कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, हम इसे भी ऊपर से डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, और हमारा पनीर कैप्सिकम मसाला करी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।